राम राम जी, नमस्कार। स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम अपडेट बिहार यूट्यूब चैनल और बात करेंगे बिहार के मौसम के बारे में। अगले 24 से 72 घंटों के दौरान किस प्रकार की बारिश की गतिविधियां बिहार के क्षेत्रों पर रहने वाली हैं। आज 11 मई है और आज 11 मई को सुबह सुबह ही बिहार के कई क्षेत्रों पर मौसम पूरी तरह से बदल चुका है और अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 12 मई तक यहाँ पर मौसम काफ़ी ज़्यादा खराब रहेगा। 11 और 12 मई को मौसम विभाग पटना के अनुसार बिहार के 17 जिलों में बारिश की गतिविधियाँ और कई कई स्थानों पर भारी वर्षा की गतिविधियां भी तेज मेघगर्जना की गतिविधियों के साथ देखने को मिल सकती हैं। तो वहीं ज्यादातर इलाकों पर आकाश से बिजली गिरने की संभावनाएं भी प्रबल नजर आ रही हैं। कुल मिलाकर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बिहार के कई इलाकों पर मौसम खराब रहेगा। ज्यादातर इलाकों पर भारी वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेगी। उसके बारे में आपको इस वीडियो में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। आपके जिले में, आपके शहर में किस प्रकार की बारिश की गतिविधियां रहेगी उसके बारे में भी विस्तार से जानेंगे। और साथ ही जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान बन रहा है उसका असर बिहार के क्षेत्रों पर आने वाले दिनों में किस प्रकार से देखने को मिलेगा और मानसून 2024 की अब की बार की जो बारिश की गतिविधियां हैं वो बिहार के किन क्षेत्रों पर ज्यादा देखने को मिलेगी और कहां पर कमी देखने को मिलेगी उसके बारे में भी इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे। वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आए। साथ ही चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, लगातार देश भर के कई राज्यों पर भीषण गर्मी का प्रकोप जारी था और आज से काफ़ी स्थानों पर मौसम बदल रहा है। काफ़ी स्थानों पर प्री मानसून की गतिविधियां रिकॉर्ड की जा रही हैं। खासतौर पर उत्तर पश्चिमी भारत के भी कई राज्यों पर हल्के मध्यम बारिश से लेकर मध्यम तेज खंड वर्षा की गतिविधियां आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी, क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी है वो अब काफ़ी सक्रियता दिखा रही है। काफ़ी स्थानों पर मौसम सिस्टम बन रहे हैं और लगातार उत्तर भारत के राज्यों पर भी एक के बाद एक सक्रिय WD का आगमन हमें देखने को मिल रहा है। वहीं बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवाती तूफान का असर भी आने वाले दिनों में पूर्वोत्तर राज्यों में और खासतौर पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के ज़्यादातर इलाके हैं, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तक के इलाके हैं। इन क्षेत्रों पर काफ़ी स्थानों पर इस सिस्टम का असर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर इलाकों पर मेघगर्जना की गतिविधियों के साथ मूसलाधार भारी वर्षा की गतिविधियां भी आने वाले दिनों में बिहार के कई क्षेत्रों पर इस सिस्टम की वजह से देखने को मिलेगी। किसान भाइयों, मौसम विभाग की माने तो लगभग 14-15 मई के आसपास फिर से बिहार के कई क्षेत्रों पर मौसम बदलेगा और ज़्यादातर इलाकों पर बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। खासतौर पर जो सुपौल, अररिया, किशनगंज, जो सीतामढ़ी के ज़्यादातर इलाके हैं, बेगूसराय, लखीसराय के तक के क्षेत्र हैं, शेखपुरा, बांका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया तक के क्षेत्र हैं, सरसा, जो मेदपुरा के क्षेत्र हैं, मुंगेर के कहीं इलाके, इन क्षेत्रों पर अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां आने वाले दिनों में इस सिस्टम की वजह से देखने को मिलेगी। राजधानी पटना तक भी मौसम काफ़ी ज़्यादा खराब रहने की संभावना है। कुल मिलाकर आगामी दिनों में भी बिहार के कई क्षेत्रों पर मौसम खराब रहेगा। ज़्यादातर इलाकों पर प्री मानसून की अच्छी वर्षा बिहार के अधिकांश क्षेत्रों पर देखने को मिलेगी। तो वहीं मौसम विभाग पटना के माने तो अब की बार मानसून 2024 की बारिश की गतिविधियां भी अच्छी खासी देखने को मिलेगी और बहुत ही अच्छी बारिश की गतिविधियां बिहार के ज्यादातर इलाकों पर देखने को मिलेगी। हालांकि कुछ एक स्थानों पर जो बक्सर, भोजपुर, रोहतास, जहानाबाद के क्षेत्र हैं, औरंगाबाद, गया, कुछ कुमेर के इलाके हैं, कुछ गोपालगंज, सिवान, सारण के क्षेत्र, इन क्षेत्रों पर मानसून की बारिश की गतिविधियों में कमी देखने को मिलेगी, लेकिन बारिश की गतिविधियां यहां पर भी अच्छी खासी देखने को मिलेगी। लेकिन जो मेधपुरा, सुपौल, अररिया के क्षेत्र हैं और खासतौर पर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर के क्षेत्र हैं, साथ ही वैशाली, राजधानी पटना, समस्तीपुर, दरभंगा, सरसा, मेधपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार के क्षेत्र हैं, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर के क्षेत्र हैं, लखीसराय, बेगूसराय के कई क्षेत्र हैं, नवंदा, नालंदा के तक के इलाके हैं, गया, जमुई तक के क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों पर भी काफ़ी स्थानों पर मानसून 2024 की अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ दर्ज की जाएगी। कुछ एक स्थानों पर सामान्य से ऊपर तो कहीं कई स्थानों पर सामान्य बारिश की गतिविधियाँ दर्ज की जाने की संभावना है। मौसम विभाग के माने तो पिछले 3 से 4 सालों के दौरान बिहार के कई क्षेत्रों पर मानसून की गतिविधियों में कमी दर्ज की गई, लेकिन इस साल यानी कि 2024 में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां बिहार के ज्यादातर इलाकों पर देखने को मिलेगी। और यानी कि कुल मिलाकर किसान भाइयों के लिए हित में अब की बार मानसून 2024 रहने वाला है। उसके बारे में हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। आप लगातार चैनल के साथ जुड़े रहे। आने वाले दिनों में किस प्रकार की बारिश की गतिविधियां कब से बढ़ने वाली हैं उसके बारे में भी विस्तार से हम जानकारी देंगे। फिलहाल बात करते हैं अगले 24 से 72 घंटों के दौरान यानी कि 11 और 12 मई को किस प्रकार की बारिश की गतिविधियां संपूर्ण बिहार के क्षेत्रों पर रहने वाली हैं। सबसे पहले बात करें पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर के क्षेत्र हैं, साथ ही मधुबनी, दरभंगा और जो वैशाली, समस्तीपुर के क्षेत्र हैं, गोपालगंज, सिवान, सारण के इलाके हैं और जो राजधानी पटना, अरवल तक के इलाके हैं, बक्सर, भोजपुर, रोहतास और जो कुमूर के क्षेत्र हैं, जहानाबाद के क्षेत्र हैं, औरंगाबाद, गया तक के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर काफी स्थानों पर आज बारिश की गतिविधियों में कमी देखने को मिलेगी। हालांकि
हालांकि बादलों की आवाजाही लगातार बनी रहेगी। तेज आंधी तूफान की गतिविधियों के साथ धूल भरी आंध्र की गतिविधियां भी लगातार रहेगी, लेकिन बारिश की गतिविधियों में फिलहाल यहां पर कमी देखने को मिलेगी। ज्यादातर इलाकों पर मेघगर्जना की गतिविधियों के बीच में और बादलों की आवाजाही के बीच में ही मौसम बना रहेगा। यहां पर लगातार भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। तापमान यहां पर लगभग 30-35 के बीच में रहेगा, कहीं कहीं स्थानों पर 35-40 के बीच में यहां पर तापमान रह सकता है। बाकी ज्यादातर इलाकों पर मौसम सुहाना और ठंडा रहने की संभावना है। फिलहाल यहां पर बारिश की ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में यहां पर भी बारिश की गतिविधियां मौसमी सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी में बन रहा है उसकी वजह से यहां पर देखने को मिलेगी। और वहीं बात करें मधुबनी, दरभंगा और जो बेगूसराय लखीसराय के ज्यादातर इलाके हैं, बंका, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया के कहीं क्षेत्र हैं, सरसा, मेधपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर आज मौसम काफी ज्यादा खराब हो सकता है। ज्यादातर इलाकों पर मेघगर्जना की गतिविधियों के साथ तेज आंधी तूफान की गतिविधियां तो कहीं कहीं स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियों के साथ बारिश की गतिविधियों में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की गतिविधियां भी यहां पर देखने को मिल सकती हैं। और शाम होते होते कुछ ज्यादा ही मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। शाम होते होते तेज मेघगर्जना की गतिविधियां और भयंकर आंधी तूफान की गतिविधियों के साथ बारिश की गतिविधियों में और भी तेजी देखने को मिलेगी। और 12 मई को यहां पर मौसम बहुत ज्यादा खराब होगा। 12 मई को यहां पर भारी वर्षा की गतिविधियां भी रिकॉर्ड की जाने की संभावना है। कुल मिलाकर इन क्षेत्रों पर अगले 24 से 72 घंटों के दौरान भी मौसम खराब रहेगा। इन क्षेत्रों पर मौसम विभाग पटना के अनुसार हाई अलर्ट और रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। और आने वाले दिनों में यहां पर भी मौसमी सिस्टम की वजह से अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां दर्ज की जाने की संभावना है। उसके बारे में लगातार हम आपको अपडेट देते रहे किसान भाइयों। पिछले कई दिनों से लगातार बिहार के क्षेत्रों पर भारी वर्षा का दौर भी देखने को मिला, जिसके चलते काफी स्थानों पर सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुआ है और एकाधुका स्थानों पर आकाश से बिजली भी गिरी है, जिसके चलते जान माल की हानि भी यहां पर काफी स्थानों पर देखने को मिली। और आने वाले दिनों में भी मौसम विभाग ने काफी स्थानों पर अलर्ट जारी किया है। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में भी सावधानी बरतने की जरूरत है। काफी स्थानों पर मौसम बेहद ज्यादा उग्र हो सकता है। प्री मानसून की वर्षा, लगातार बिहार के कई क्षेत्रों पर भारी बारिश का दौर भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। नदी नाले उफान पर होने की संभावनाएं भी प्रबल नजर आ रही है। निकी कुल मिलाकर आगामी दिनों में भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां भी बिहार के क्षेत्रों पर देखने को मिलेगी। और वहीं किसान भाइयों, मानसून 2024 अब जल्द ही बिहार के क्षेत्रों पर दस्तक देने वाला है, यानी कि 5 से 10 जून के मध्य मानसून का भी प्रवेश बिहार के क्षेत्रों पर। सुपौल, अररिया, कटिहार, भागलपुर के शिव क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से मानसून का प्रवेश भी बिहार के क्षेत्रों पर जल्द ही होने वाला है। और जल्द ही मानसून 2024 की बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। और किसान भाइयों, आपको बता दें कि शुरुआत के दिनों में बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी देखने को मिलेगी, लेकिन जुलाई और अगस्त सितंबर के दौरान यहां पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। हालांकि जुलाई आधे जुलाई तक यानी कि लगभग 15 जुलाई तक यहां पर मानसून का प्रभाव कुछ कम देखने को मिलेगा। हालांकि 20 जुलाई के बाद यहां पर बारिश की गतिविधियां तेजी से बढ़ेगी और बारिश से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां भी बिहार के ज्यादातर इलाकों पर दर्ज की जाने की संभावना है। उसके बारे में लगातार हम अपडेट आपको देते रहेंगे। आप लगातार चैनल के साथ जुड़े रहे। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।